मैं बता देता हूँ, मतलब जैसे मिट्टी भर के कहाँ से चढ़ सकते हैं, और मतलब टाइल भर के और कहाँ से चढ़ सकते हैं, और कितने रुपए टोल लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और ये छोटा सा ब्लॉक है, और एक बार भारतमाला का व्यू देख लीजिए कैसा है रोड। हेलो गाइस, क्या हाल आप सभी का, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो सब, आई होप अच्छे ही होंगे, अच्छे ही होना चाहिए। तो अभी मैं हूँ इधर गुजरात के अंदर थराद। तो मैं कल मिट्टी भर के भारतमाला पे चढ़ा था, तो अभी मतलब कुछ बोल रहे हैं कि भारतमाला चालू है, कुछ बोल रहे नहीं है। तो मैं इसमें आपको ये ब्लॉग मैंने यही इसीलिए बनाया है, मतलब भारतमाला मतलब बता सकूं कितना चालू है कितना नहीं, मतलब रोड मतलब कुछ को पता है और ठीक है, कुछ को पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। मतलब जैसे मिट्टी भर के कहाँ से चढ़ सकते हैं, और मतलब टाइल भर के और कहाँ से चढ़ सकते हैं, और कितने रुपए टोल लगेगा, ये सब बताने वाला हूँ। बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए। तो अभी मैं उत्तराद, अभी मैं जा रहा हूँ गुजरात, मतलब गुजरात में तो अभी आ ही चुका हूँ, और भी जा रहा हूँ, और देखते रहिए आगे बताता हूँ। तो यहाँ से भी भारतमाला मतलब आएगी थोड़ी, मतलब कितना ये थरा तक आएगी, यहाँ से तो ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत इसी रोड में कन्वर्ट किया हुआ है, जैसे मतलब साइड में ये रोड नहीं, इसी पे वो बना दिया, तो इसलिए यहाँ से भी चढ़ेंगे भारतमाला। बताऊँगा कैसा, मतलब जिसने नहीं देखी है भारतमाला रोड, वो भारतमाला रोड भी देख लेना, आगे आने वाली है भारतमाला रोड। और जो मिट्टी भर के आते हैं वो कहाँ से चढ़ते हैं उनके लिए भी बताऊँगा, और कितने रुपए टोल लगता है वो भी बताऊंगा। आगे आने वाली है भारतमाला। तो दोस्तों ये है भारतमाला रोड, ऐसा इसका व्यू देख लो। ये देखो थ्री लाइन, इधर से थ्री लाइन आने वाली है, तो ये तो थोड़ी दूरी है, ज्यादा नहीं है, मतलब थरा तक है, थरा तक इस पे, क्योंकि वो उसी रोड में कन्वर्ट किया हुआ है इसको, साइड में वैसे मतलब नहीं है, तो इसलिए इसी रोड पे मतलब चढ़ाते हैं इधर से। और पीछे का जो है ना, वो जैसे मिट्टी भरते हैं कॉलेज से, तो कॉलेज से मिट्टी भर के मतलब उधर से चढ़ जाते हैं, और इधर से जाते वक्त सिंदरी से चढ़ते हैं, तो उधर से मिट्टी भर के मतलब चढ़ना होता है अपना, ये है ना जांगलू, जांगलू से। तो दोस्तों भारतमाला रोड वैसे चालू है, पूरा तो नहीं है चालू, बाकी अर्जन सर से लेके और सिंदरी तक चालू है रोड एकदम टकाटक। मतलब कोई बोलते हैं बलोत्र उतरना है, कोई बोलते हैं पंचभद्र उतरना है, तो भैया मैं रात को ही आया हूँ, सिंदरी तक रोड चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंदरी से 30 किलोमीटर साइड में अपना जालोर वाला रोड पे उतरेगा रोड, मतलब 390 रुपए का सिर्फ ओनली फॉर टोल लगेगा। कॉलेज से निकलने के बाद सिंदरी तक 390 रुपए का सिंगल एक टोल लगेगा। भारतमाला पर टोल चालू नहीं है, और मिट्टी भर के आप चले जाओ सीधा जांगलू, और जांगलू से आपको जाना है पांचू रोड पे कृष्णसर गांव आएगा। कृष्णसर गांव से निकलते ही 2 किलोमीटर चलते ही मतलब आपको भारतमाला रोड पे चढ़ना है वहां से, और सीधा सिंदरी तक कहीं नहीं उतरना है। कोई बोल रहा है बलोत्र उतरना है, कोई बोल रहा है पंचभद्र उतरना है, आपको नहीं उतरना है, आपको सीधा सिंदरी से 30 किलोमीटर साइड में उतरेगी रोड, और जालोर वाली रोड पे उतरेगा, इसको पता है वो ठीक है, नहीं तो देख लेना। और टोल वगैरह कुछ, तो दोस्तों टोल वगैरह भी नहीं लगता है, सिर्फ ओनली फॉर एक ही टोल लगेगा, वो भी सिंदरी से पहले जालोर वाली रोड पे एक टोल लगेगा, कैश लगेगा 390 रुपए।
तो दोस्तों भारतमाला रोड इतना चालू है और अभी तक इतना इन्फॉर्मेशन है और आगे भी जो भी मतलब मिलेगा या चालू होगी तो मेरे को जितना तक पता होगा मैं आपको बता दूंगा। और ये छोटा सा ब्लॉक है और एक बार भारतमाला का व्यू देख लीजिए कैसा है रोड। वो साइड में मतलब जानवर नहीं आ सकते इस रोड पे, ये सिस्टम है। वो देखो साइड में दिख रही है, मतलब बड़ी सी भींत कर रखी है और थ्री लाइन इधर है, थ्री लाइन उधर है, ये सिस्टम है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना और भाई का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। और मतलब कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना भाई, उस चीज पे वीडियो बनाओ तो मैं बना दूंगा। थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।